पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी ये हम डिस्कस किए थे, और साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, इसका पीरियड आपका था 2 पाई। टैन थीटा, कॉट थीटा का पीरियड था पाई। और इसके बाद हम कुछ डिस्कस किए थे, लेट एफ ऑफ एक्स हैविंग पीरियड टी, फंडामेंटल, व्हाट आई एम टेलिंग फंडामेंटल, पीरियड पता चलेगा, देन ये जो मैं बता रहा हूँ ये फंडामेंटल, देन सम कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स, उसका पीरियड क्या होगा, वही टी। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस के का पीरियड क्या होगा, टी टी एफ ऑफ एक्स प्लस के का पीरियड क्या होगा, टी अपॉन मॉड के, एफ ऑफ एक्स प्लस के का पीरियड। सर ये नहीं बताया था, एफ ऑफ के एक्स बताया था, एफ ऑफ के एक्स बताया था आपने, एफ ऑफ एक्स प्लस के, सपोज जैसे कि साइन थीटा का पीरियड आपका 2 पाई, साइन थीटा प्लस पाई बाय 3, इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई। हम जितना प्लस के करेंगे ना आपका ग्राफ शिफ्ट करेगा पीछे, जैसे प्लस पाई बाय 3 किया आपका ग्राफ माइनस पाई बाय 3 से स्टार्ट होगा, सेम ग्राफ ऑफ साइन थीटा, नहीं बताया था क्या, और कोई पीरियड सेम ही होगा। हाँ, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना, ये आपका बाय 2 पाई 3 पाई लग गया, तो एफ ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 क्या होगा, व्हेन यू टेक थीटा एज माइनस पाई बाई 3 वो जीरो जैसा दिखेगा, तो आपका सेम ग्राफ मिलेगा, ऐसे होगा। बराबर, यस सर। अब थीटा की जगह माइनस पाई बाई 3 डालो वो जीरो होगा, थीटा की जगह जीरो डालो वो पाई बाई 3 देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ग्राफ पाई बाई 3 पीछे चला जाता है, थीटा माइनस पाई बाई 3 करोगे तो पाई बाई 3 आपका आगे चला जाता है, सिर्फ ग्राफ शिफ्ट करेगा और कुछ चेंज नहीं होगा, तो आपका पीरियड क्या होगा, वही टी रहेगा, ठीक है, ये मिस हुआ तो इसको भी कर दो। इफ एफ ऑफ के एक्स प्लस टी का पीरियड, के एक्स प्लस लैम्डा, इसका पीरियड क्या होगा, टी बाय मॉड के, टी अपॉन मॉड के, तो जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे तो साइड में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और एक बताया था, लेट एफ ऑफ एक्स पीरियड इज द टी वन, जी ऑफ एक्स पीरियड इज द टी टू, देन सम कंस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस अनदर कंस्टेंट इनटू प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स, इसका पीरियड क्या होगा, ये नहीं बताया था सर, नो सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब बताओ, सपोज एक फंक्शन 2-2 इंटरवल में रिपीट कर रहा है जिसका फंडामेंटल पीरियड 2, और एक फंक्शन लेटेस्ट एक 3-3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, उनका कंबाइंड फंक्शन कौन सा इंटरवल में रिपीट करेगा, एक फंक्शन 2-2 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, दूसरा फंक्शन 3-3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, उनका कंबाइंड फंक्शन कौन से इंटरवल में रिपीट कर रहा है, एक्स। मतलब क्या क्या मिला आपका, एलसीएम, एलसीएम। ओके, तो इफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा नहीं कि उनका मल्टीप्लीकेशन,
उनका कॉमन इंटरवल, कॉमन इंटरवल इज द 6-6 इंटरवल में वो कॉमन होते जाएंगे, ठीक है. लेट एफ ऑफ एक्स हैविंग पीरियड इज द t1, g ऑफ एक्स हैविंग पीरियड t2, देन सम कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स. कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका पीरियड t1, इसका पीरियड t2, तो वो दोनों का कंबाइंड पीरियड क्या होगा, इज द एलसीएम इन बिटवीन t1 एंड t2. दोनों का एलसीएम क्या सर? वो फोर्थ वाले में क्या लिखा है? नहीं सर, उसका पीरियड क्या रहेगा? टी बाय मॉड के, क्योंकि के आपका नेगेटिव हो सकता है, बट पीरियड का भी नेगेटिव नहीं होगा. नहीं सर, जो के मैंने रखा, के नेगेटिव हो सकता है. यस सर, ठीक है, बट पीरियड नेवर नेगेटिव, दैट्स व्हाई मॉड के, एंड के इज नॉट इक्वल टू 0 हियर. के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए. कॉन्स्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होगा? कॉन्स्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होगा? सर कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा. नहीं होगा. यस सर. तो कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन, बट नो फंडामेंटल पीरियड. ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसे है, ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन नेचर क्या होता है? उस स्ट्रेट लाइन का नेचर क्या होता है? सर कोई स्लोप नहीं होता. स्लोप नहीं होता तो हो सकता है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, एवरी कांस्टेंट फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन. तो मैं ए इंटरवल कंसीडर करूंगा तो भी मैं बता पाऊंगा ना, इन दिस इंटरवल ऑल्सो ग्राफ रिपीटिंग है कि नहीं? अच्छा, इफ यू कंसीडर दिस इंटरवल ऑल्सो यू कैन कॉल्ड इन दिस इंटरवल ऑल्सो ग्राफ रिपीटिंग. इसका मतलब योर फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन. कोई भी इंटरवल आप लेके आप बता सकते हो कि ये रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन. बट फंडामेंटल पीरियड का डेफिनेशन क्या था? फंडामेंटल पीरियड का डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन दिया था ना सर, इट इज अ पीरियड इटसेल्फ ऑफ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. यस, फंडामेंटल पीरियड इटसेल्फ पीरियड, बट सबसे लीस्ट होना चाहिए, सबसे लीस्ट होना चाहिए. तो आप बताओ इसमें कौन सा लीस्ट वैल्यू पर ये रिपीट कर रहा है? तो नहीं बोल सकते उसमें. इट्स टेंस टू जीरो. यस, एंड कोई भी फंक्शन का पीरियड जीरो नहीं होता है. ठीक है, दैट्स अ कांस्टेंट फंक्शन. एवरी कांस्टेंट इज द पीरियडिक फंक्शन, बट नो फंडामेंटल पीरियड. बराबर सर? सर अच्छा, एलसीएम सबको पता है? हां. यस सर. यस सर, पता है. ट्रिकी नहीं सर. आपने क्या बोल पूछा अभी? एलसीएम सबको पता है? यस सर. पक्का? यस सर. हां, देखते
बताओ इसका एलसीएम। सर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। आंसर बता। सर 18। यस 18 18 और एक मिनट। और नमन आप बोल रहे हो 6 है ये 70/2। और ठीक है, इसलिए मैंने हटा दिया। तो एक मैं पोल डाल रहा हूँ मैंने 5 ऑप्शन रखा डाले ए बी सी डी ई।
So far only 20 votes, 22 votes. वोटिंग चाहिए. So far only 31 votes out of 49 मुझे मिला के. ओके सर, स्टार्टिंग में सीरियस नहीं लगा हूँ. स्टार्टिंग में वो कॉल ऐसे ही लगा था, कुछ भी दबा दिया. तो पोल एंड करता हूँ. ऑलरेडी 33, बाकी तो वोट नहीं कर रहे. स्किप बाजू में स्किप पोल करके भी आज बाजू में कर. So far 35%, sorry 36 votes. End कर दिया. So चलो 36 votes out of 36, 30 got correct answer, मतलब 83%. क्या answer? सर मैंने चैट में आपको लिखा था डीओ, मैंने सी गलती से मतलब दिखाई नहीं सी कौन सा. हां सर मैंने. ठीक है, तो इट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन जीसीडी और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो 2, 7, 10 का एलसीएम होगा 70, 3, 6, 9 का होगा तो 70/3. तो ठीक है, अब समझाइए आप स्कूल में कैसे करते थे. स्कूल में कैसे करते थे इसको, सबका डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है. मतलब दिस वन यू कैन राइट 6/9, नहीं और 3, 6, 9 18 करेंगे. 18 करना पड़ेगा. तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/18, इधर 21/18, ये 20/18. ठीक है, तो 18 को बाहर ले लो, बाकी 12, 21 और 20 इसका एलसीएम निकालो. डिवाइड बाय व्हाट, 4 डिवाइड कर सकते हो. 3, 21/5 अगेन डिवाइड बाय 3, 1, 7, 5. तो आपको मिलेगा 4 × 3 × 7 × 5/18. ठीक है, 3 कैंसिल, 9, 7, 6 अगेन 2 कैंसिल, 2 लेफ्ट, 3. तो ये होगा आपका 75. तो साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड क्या था, फंडामेंटल पीरियड. हाय साइन स्क्वायर थीटा का 2 पाई. नहीं पाई 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 स्क्वायर का पाई पाई पाई. तो किसी का स्क्वायर रखोगे वो पाई होगा. ठीक है, साइन क्यूब का क्या होगा,
साइन क्यूब का क्या होगा पीरियड? पाई 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 ग्राफिकली थोड़ा चेक करो 2 पाई होगा 2 पाई होगा सर यस सर 2 पाई 2 पाई दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन तो साइन क्यूब का ग्राफ कैसे होगा इसके नीचे रहेगा बट नेगेटिव टाइम पर भी नेगेटिव होगा ना ऐसे रहेगा तो पीरियड क्या मिला 2 पाई तो इसका मतलब आपका साइन का अच्छा टैन क्यूब का क्या होगा इसका मतलब साइन का पावर 2m कुछ भी रखो मतलब कोई भी इवन पावर रखो साइन और कॉस इसका पीरियड होगा और ऑड में 2 पाई साइन पावर 2m प्लस 1 और कॉस का पावर 2k प्लस 1 ऑड रखेंगे तो क्या होगा 2 पाई Can power anything? इसका पीरियड होगा पाई ठीक है टेन स्क्वायर का पाई था टेन क्यूब का भी पाई मिला तो टेन का पावर एनीथिंग विल गेट पाई बराबर मॉड साइन थीटा का क्या होगा पाई 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 बॉट कॉस थीटा का सर पाई पाई इसका भी पाई बॉट टेन थीटा पाई 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 ठीक है मॉडुलस में क्या होगा आपका ग्राफ मॉडुलस का ग्राफ पता है हाँ सर यस सर नीचे का नहीं जाएगा सर ऊपर का पार्ट ऊपर जाएगा ऊपर चले जाएंगे नीचे वाली सारी वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी सब कुछ पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे ग्राफ ऊपर हो जाएगा लाइक साइन स्क्वायर ठीक है तो पाई होगा चलो ये सब नोट कर लो राइट अच्छा बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस यू हैव टू टेल फंडामेंटल रिजल्ट ओके सर वापस से पोल्स होंगे बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस यू हैव टू टेल फंडामेंटल पीरियड ऑफ इच मतलब एक क्वेश्चन क्लियर पोल नहीं Find fundamental period of following questions, huh? सर वो साइन पावर 28 कॉस पावर 72 दूसरा
तो रो कॉस स्क्वायर थीटा ना, हाँ ये सर वो जो सेकंड का जो है साइन क्या है, साइन एंड कॉस, साइन रेस टू 22 माइनस कॉस रेस टू 49। तो -17 cot ठीक है, हां -17 cot 3x/7। Done. Yes, sir. Yes, sir. Okay. First one. Pi. Pi. Anything? Second. Honey chutney. 2 pi. Yeah. 2 pi. 2 pi. 2 pi. 2 pi. Third one. 2 pi. Fourth. Pi. 2 pi. 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 Anything?
फिर नो फंडामेंटल नो फंडामेंटल पीरियड हाँ नो फंडामेंटल पीरियड से सर फिफ्थ का नो फंडामेंटल पीरियड कैसे हुआ क्योंकि वो कांस्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसीलिए सिक्स्थ वन सिक्स्थ का क्या हुआ एक मिनट सर इसका अलग ही आंसर आ रहा है बोलो 140 पाई आ रहा है ओके और सर 35 पाई बाय 3 यस 35 पाई बाय 3 पर ये गलत लग रहा है 35 पाई बाय 3 ओके और 35 पाई बाय 6 हां उसका 6 और 6th one देखेंगे चेक करेंगे फोर्थ का भी सर फोर्थ का क्या होगा फोर्थ का 2 पाई होगा कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा ऐसा थोड़ी होता है कुछ नहीं भी तो गलत ही है ये समझ में आया ना नो फंडामेंटल पीरियड हाँ सर हाँ सर यस सर क्या जेटिस कांस्टेंट होगा ठीक है अच्छा तो आप बोल रहे हो पाई डेफिनेशन क्या था पीरियड पीरियडिसिटी का डेफिनेशन क्या था लीस्ट नहीं पीरियडिक फंक्शन हाउ टू नो फंक्शन इज द पीरियडिक फंक्शन और नॉट कैसे पता चलता है मैंने तो डेफिनेशन दिया था ना व्हाट इज पीरियडिक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t यस इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t देन द फंक्शन f ऑफ x इज कॉल्ड पीरियडिक फंक्शन ओके फिर फंडामेंटल पीरियड कैसे मिलता था फंडामेंटल पीरियड कैसे मिलता था जब टी सबसे लीस्ट होगा टी इज द न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू देन टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड अदरवाइज पीरियड
फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो क्लियरली इसका इंडिविजुअल पीरियड पाई, इसका इंडिविजुअल पीरियड पाई, तो दोनों का एलसीएम रखेंगे तो पाई मिल जाएगा, ठीक है। तो 2π होने का चांस नहीं फंडामेंटल पीरियड, बट पाई पर मैंने गलत लिखा, ठीक है, चेक करते हैं। Let us take f of theta is the sine raised to 64 plus cos raised to 60. So, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ थीटा थीटा प्लस फाइव, रिप्लेस थीटा फाइव प्लस थीटा, ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि पाई इज द पीरियड, इसका पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड, तो पाई पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो रिप्लेस थीटा पाई प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। सो व्हेनेवर पावर इज द इवन तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस हो जाएगा, यस सर, यस सर, इसलिए सेम फंक्शन दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज साइन y plus theta to the power 64 plus cos y plus theta to the power 64. This became actually minus sin theta power 64. You'll get plus sin theta power 64. ये भी आपको ये भी मिला. तो same as f of theta. ठीक है? तो ये satisfy कर रहा है. F of pi plus theta is equal to f of theta मिल रहा है. तो definite पाई पर वो पीरियडिक होगा, तो फंडामेंटल पीरियड 2π मैं कभी भी सिलेक्ट कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा वैल्यू दे सकता हूं जिसके लिए पाई से भी कम होगा और सेम फंक्शन दे देगा, तो फिर क्या बोलेंगे, इफ एनी टी वैल्यू लेस देन पाई एंड एफ ऑफ थीटा प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा आ जाएगा, तो इसको तो मैं फंडामेंटल बोल नहीं पाऊंगा फिर, ठीक है। अब चेक करते हैं, इसलिए 2π तो गलत है, अब चेक करते हैं f of theta plus pi by 2, just find out f of theta plus pi by 2, तो क्या होगा, sin pi by 2 plus theta to the power 64 plus cos pi by 2 plus theta to the power 64, ठीक है। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा कॉस थीटा टू द पावर 64 कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा पावर 64 प्लस साइन थीटा, तो सेम फंक्शन दे दिया, यस सर। हां, तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई नहीं हो पाएगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2 होगा, तो हियर फंडामेंटल पीरियड इज द पाई बाय, ठीक है। हां सर, समझ गए। अब सो फंडामेंटल पीरियड होगा पाई बाय 2 नॉट पाई, तो इसमें मैं आपको दे सकता हूं, मतलब एक नोट बना सकते हैं आप, जस्ट राइट ऑन दिस थिंग लास्ट का, हां लास्ट का तो बताएंगे, अब ये लिखो दे, सर वो लास्ट तक थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ मुझे, मतलब पहले पाई के फिर पाई बाय टू और जब मुझे ये f of x plus t is equal to f of x मिला, हाँ सर, then function is the periodic function, okay सर, हाँ, but fundamental period बोल नहीं पाऊंगा जब तक मुझे list ना मिले, okay सर, हाँ, तो ये function is the periodic function, no doubt it is periodic over pi, pi के ऊपर वो period हो रहा है, period मतलब repeat कर रहा है, but फिर मैंने pi by 2 पर test किया, क्योंकि इधर साइन एंड कॉस दोनों का पावर सेम था, बट पहला जो क्वेश्चन दिया था ना मैंने साइन पावर 32 कॉस पावर कुछ दिया था, उसमें पावर दोनों का अलग अलग था, अलग अलग,
सो यानी कोई भी मतलब एक क्वेश्चन है, कोई भी कॉस या साइन के इवन पावर जो दोनों भी सेम हो गए उसका मतलब हमेशा पीरियड पिवट ही होगा क्या? जैसे कि हां बिल्कुल पिवट। और सर और ये इसके लिए तो रिवीजन ट्रायल करना पड़ा ना? क्या थोड़ा हिडन ट्रायल लगाना पड़ा ना इसके? मतलब वो कैसा वे क्लिक होगा? सपोज किसी का पीरियड 3 पाई बाय 2 होगा तो मतलब क्या करना? नहीं नहीं उधर देख चेक करना पड़ेगा, जब दोनों इवन फंक्शन आता है तो उधर आपको चेक करना पड़ता है। सर एक्चुअली जब हमने वो फॉर्मूला लगाया फिफ्थ वाला तो उससे आंसर पाई आ रहा है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पाई बाय 2 होना है? वो जो मैंने फॉर्मूला दिया था वो फुल प्रूफ नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हो, उसमें फिर एक नोट डालना पड़ता है कि जब दोनों इवन होता है फिर आपको चेक करना पड़ता है। बताओ पाई बाय 4 क्यों नहीं? पाई बाय 4 पर आप टेस्ट कर सकते हो। पाई बाय 4 इफ यू यूज पाई बाय 4 आपका साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं होगा। बट पाई बाय 2 यूज करने से साइन कन्वर्ट होता है कॉस, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। ओके। बिकॉज ऑफ सेम पावर था, दोनों का पावर इवन था और सेम था, इसलिए क्या हुआ दोनों दूसरे को रिप्लेस कर दिए। पाई यूज करोगे तो सीधा सीधा मतलब रेस्पेक्टली रिप्लेस कर रहा है, साइन साइन होता है कॉस कॉस होता है, बट पाई बाय 2 यूज करोगे तो साइन कॉस हो जाता है कॉस साइन हो जाता है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर दिए। अंडरस्टूड सर। यस। तो जब हाँ तो इधर पाई पर पीरियडिक हुआ, पाई बाय 2 पर भी पीरियडिक हुआ, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2। फंडामेंटल पीरियड का डिफरेंस था जो सबसे लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये रब करो ऊपर। यस सर। यस सर। तो आप चाहो तो यू कैन मेक नोट। साइन पावर 2m प्लस कॉस पावर 2n इसका पीरियड होगा 5 if m is not equal to n. ठीक है, if m equal to n then ये हो जाएगा pi by 2 provided 1 नहीं होना चाहिए, mn 1 नहीं होना चाहिए। yes if m okay. equal to n equal to 1 तो क्या होगा? no fundamental period. No fundamental period. So you can make it no. Odd के लिए कोई problem नहीं. Suppose sin power 7 plus cos power 7. इसका period क्या होगा? Hi. क्या होगा? Upai. 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 पाए और आप कुछ चेक कर सकते हो। और के लिए इंडिविजुअल पीरियड क्या था? 2 पाए। इसका इंडिविजुअल पीरियड पाए। दोनों का एलसीएम पाए। 2 पाए। तो एलसीएम तो ये तो करेक्ट होगा ही होगा। अब आपका डाउट है कि पाई पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंसीडर दिस वन एज एफ ऑफ थीटा, नाउ फाइंड आउट एफ ऑफ पाई प्लस थीटा। तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, माइनस कॉस थीटा व्हिच इज नॉट एफ ऑफ थीटा। यस दोनों प्लस में हो जाता तो फिर हो जाता। तो ऑड पावर रखेंगे इक्वल रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ इवन केस में फर्क हो। बराबर सर, बट इसमें भी तो पाई बाय 2 सैटिस्फाई करेगा ना? नहीं करेगा। चेक करो पर साइन कॉस हो जाएगा, कॉस का नेगेटिव आएगा ना? कॉस का नेगेटिव आएगा ना? नेगेटिव आएगा ना, इवन पावर नहीं है। पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं है। हां ओके सर। हां मतलब उन को चेक करना ही पड़ेगा, नेगेटिव होगा, सेम फंक्शन नहीं देगा। बराबर If you take f of theta plus pi by 2
आपका ये हो जाएगा cos पावर 7 बट ये हो जाएगा माइनस साइन पावर 7 व्हिच इज अगेन f नॉट इक्वल टू f ऑफ थीटा ऐसे हर एक को नहीं चेक करनी है मींस 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 क्यों टेस्ट करोगे जब आपका 3 पाई बाय 2 टेस्ट करोगे तो वही चीज होगा ना सेम आएगा ना 1 प्लस 1 माइनस में आएगा cos पार्ट प्लस में हो जाएगा sin पार्ट माइनस में होगा मतलब ये माइनस होगा ये प्लस होगा इट इज नॉट सिंपल बराबर समझा यस सर अच्छा इसमें क्या दिक्कत हुआ sin 2x का पीरियड कितना पाई बाय 2 पाई tan 3x / 5 का पीरियड कितना नो पीरियड कॉन्स्टेंट का कोई पीरियड नहीं होता है आप कितना भी एक्स में कुछ भी चेंज करो 51 थोड़ी चेंज होगा दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स ना आप x के जगह x plus t करोगे इसमें कोई चेंजेस होगा क्या? cosec का 4 pi by 7 क्यों है? क्या? वो cosec 7 x by 2 का 4 pi by 7 क्यों है? cosec का कितना पीरियड कितना होता है? cosec थीटा का पीरियड कितना होता है? 1 minute. pi. क्या? 2 pi. 2 pi. 2 pi होगा. तो 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 डिवाइड करोगे तो क्या होगा अच्छा ओके सर ओके ओके सर ठीक है ना जितना मल्टीप्लाई हुआ है उतना डिवाइड हो जाएगा जितना डिवाइड हुआ है उतना मल्टीप्लाई होगा मतलब इसका रेसिप्रोकल हमेशा रखना है x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल यस सर मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई करना नहीं तो x का कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है तो आपका cosec x का 2 पाई डिवाइड करेंगे 7 / 2 आ गया 4 पाई / 7 बराबर तो सब में तो पाई आ रहा है तो पाई तो रहेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी बचा 1547 उसका एलसीएम कितना 1547 एलसीएम आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ना पाई तो कॉमन चला गया एलसीएम 1473 जीसीडी और एचसीएम 1 तो आंसर होगा 145 सॉरी इट्स द नेम समझाइए आंसर क्या है 145 140 तो अरे बार फिर से समझाओ ना साइन 2 पाई का 2x का पीरियड क्या होता है पीरियड ऑफ साइन 2x और साइन 2 थीटा पाई सबका इंडिविजुअल पीरियड आप निकालोगे tan ये f of x ये g of x ये h of x ये p of x तो सबका इंडिविजुअल पीरियड निकाल के एलसीएम रखना है tan 3x / 5 का पीरियड क्या होता है पाई बाय 3 tan थीटा का पीरियड होता है पाई पाई तो tan 3 थीटा / 5 का पीरियड क्या होगा पाई पाई बाय 3 अपॉन 3 / 5 ऊपर आपको क्या मिलेगा पाई पाई अपॉन cosec 7x / 2 4 पाई / 7 4 पाई / 7 cot 3x / 7 7 पाई / 3 7 पाई / 3 51 का ऐसा पीरियड नहीं होता है बस आपका वेरिएबल में पीरियड है
अब ये चारों टर्म का एलसीएम आपको लेना है, तो सब में तो पाई है, पाई कॉमन इज 1/1, 5/3, 4/7, 7/3. फॉर्मूला क्या था? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1, 5, 4, 7 इनका एलसीएम, तो सीधा सीधा 5 × 4 × 7 होगा, क्योंकि इसमें कोई तो कॉमन पार्ट नहीं है. तो 140 अपॉन एचसीएफ ऑफ 1, 3, 7, 3 इनका एचसीएफ कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1. तो आंसर हो गया 145. बराबर? यस सर, समझे. समझा? यस सर. रोटेल 15 है ना? हाँ, तो 15.
Done. Yes, sir. Yes, sir. First one. सबका ही पाया है थर्ड वाला कैसे हुआ बस वो दिखा दो ठीक है सबको मिला 5/16 यस सर यस सर तो मुझे फर्स्ट वाला नहीं मिला सर मुझे भी नहीं मिला ठीक है फोर्थ फोर्थ वाला हां सर फोर्थ वाला फर्स्ट वाला 28 सर एक बार 28 सर फर्स्ट वाला बताओ अलग आ रहा है नहीं आ रहा है मेरा बताओ जिसको जो मिस्टर 28 पाई बाय 42 28 पाई बाय 42 आ रहा है सर मेरा सिर्फ 28 पाई आ रहा है सिर्फ 28 पाई और एक 28 पाई और मल्टीप्लाई कर तो फर्स्ट में हम पोल करते हैं ए 14 पाए बी 28 पाए सी आपका 2 पाए बाय 3 और कोई कुछ आंसर दोगे थिंकर नॉन ठीक है और जिसने नॉन बताएगा वो भी बताएगा सब पहले ऑप्शन देखने दो हटा दो मतलब एबीसीडी में सर कौन सा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट और कौन से ऑप्शन थे ए बी सी डी ए 14 पाई बी 28 पाई सी द 2 पाई बाय 3 डी द नॉन नो ई ऑप्शन ई में किसने दिया
सर को पता चलता है कौन क्या डाल रहा है वो आपको मालूम पड़ता है कौन कौन सा क्या डाल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का ये चार ऑप्शन मैंने डाला ए बी सी ए में 14 पाई बी में 28 पाई सी में 2 पाई बाय 3 डी नन ऑफ दिस किसने तो एक ई किसने डाला सो फॉर 31 वोट सर एक बार थर्ड और फिफ्थ समझा देना प्लीज हाँ ठीक है हाँ सर थर्ड वाला थर्ड में ना मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 तो फिर वो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा ठीक है सो फॉर sin 2 थीटा वाला वो ठीक है बट डिवाइड 68% वोट ऑन ए मतलब ज्यादा बोल रहे हो क्या 14 पाए बी को 12% सी को 12% डी 6% ठीक है दादा किसको है ए को गया कौन सा cos स्क्वायर 7 थीटा बाय 2 का पीरियड क्या होगा सर 2 पाए बाय 7 पाए बाय 7 पाए बाय 7 2 पाए बाय 7 मैं पाए को बाहर रखता हूं 2 बाय 7 करता हूं tan क्यूब 2 थीटा 1/2 1/2 ठीक है 14/3 किसने तो मल्टीप्लाई कर दो सब कुछ ठीक है समझा ये यस सेकंड तो सबको सर तो इसमें पहले पावर के अकॉर्डिंग ये पीरियड लेके फिर उसके बाद ये यूज किया है फ्रैक्शन का हाँ बिल्कुल उसको कांस्टेंट को डिवाइड किए पहले पावर के हिसाब से निकालेंगे साइन क्यूब दिया जाएगा मतलब 2 पाई फिर डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट को ओके सर सेकंड सबको मिला पाई बाय 60 यस सर यस सर ओके राइट थर्ड वन सर थर्ड का आंसर मेरा 2 पाई बाय 17 ऐसा नहीं कि इसका पाई सॉरी इसका 2 पाई इसका 2 पाई और दोनों को मल्टीप्लाई करो ऐसा कुछ नहीं है ओके ये दोनों का एलसीएम रखो ये ऐसा नहीं इसको ट्राई करोगे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 17/2 sin 2 थीटा दिस वन यू कैन राइट 17/2 sin 2 थीटा ओके अब सिर्फ sin 2 थीटा का पीरियड होगा कितना होगा सो पाई द राइट आंसर फोर टर्म सबको मिला यस सर आंसर क्या निकला थर्ड का पाई मिला सर मैं नहीं समझा वो हो गया 17/2 sin 2 थीटा हो गया sin 2 थीटा का पीरियड क्या है नहीं सर ठीक है मैंने 17 और 2 को भी ले लिया अच्छा फिफ्थ में क्या हुआ ब्रावो consider f of theta as sin theta minus cos theta का mod ठीक है तो आपको क्या लग रहा है क्या पीरियड होना चाहिए sin theta का तो इंडिविजुअल पीरियड 2 पाई इसका भी इंडिविजुअल 2 पाई 2 पाई तो होगा ही होगा 2 पाई में आपका रिपीट करेगा लेकिन मॉड है ना मॉड मुझे 2 पाई आंसर आ रहा है मॉड दिया है ना मॉड दिया गया तो आपको पाई पर टेस्ट करना पड़ेगा 2 पाई तो होगा ही होगा थीटा प्लस 2 पाई यू विल गेट एफ ऑफ थीटा इसमें कोई डाउट नहीं 2 पाई यूज करेंगे तो sin थीटा वही sin थीटा होगा cos 2 पाई प्लस थीटा वही cos थीटा होगा
तो ग्राफ में तो कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब फंक्शन में कुछ चेंज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मॉडुलस। आप एक बार पाइप पर भी टेस्ट करो, ठीक है? तो एफ ऑफ थीटा प्लस पाई क्या होगा? साइन पाई प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। इसका मॉड साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। इसका मॉड सर एक ही बात है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला। यू नो मॉड एक्स जितना होता है माइनस एक्स का मॉडुलस भी वही होता है। हां सर, इससे पाई आएगा। यस सर, 3 का मॉडुलस जितना होता है माइनस 3 का मॉडुलस उतना होता है। तो ये दूसरे का क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मॉडुलस जितना होगा इसका मॉडुलस भी वही होगा। तो 2 पाई राइट आंसर है या रॉन्ग है? 2 पाई रॉन्ग होगा। फंडामेंटल पीरियड नहीं, पीरियड मिनिमम नहीं है ना, मेरे फंक्शन 2 पाई रहेगा। तो आपको ये मिल रहा है, दिस वन सेम एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मॉड, तो व्हिच इज एफ ऑफ थीटा। तो एफ ऑफ थीटा प्लस पाई पर एफ ऑफ थीटा मिला, तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो सकता है? अब तो 2 पाई तो नहीं होगा ना। हाँ सर समझ गया, थैंक यू। सपोज कोई पूछेगा मैं पाई बाय 2 यूज करूंगा क्योंकि साइन कॉस मिक्स में है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होगा? थीटा चेंज करो, पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। साइन थीटा। तो प्लस साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियरली दिस इज नॉट योर एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा। तो पाई बाय 2 पर फंडामेंटल नहीं होगा, पाई पर होगा। Yes, sir. ठीक है, अब सिक्स का क्या होगा? सर पाई ना। पाई। पाई होगा। सेवन का क्या होगा? पाई। 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 गलत है। क्यों? तो तो पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2 होगा। मॉड ऑफ कॉस थीटा। ठीक है सर, पाई बाय 2 कर। यस सर, पाई बाय 2। पाई बाय 2 राइट आंसर। ठीक है, पाई तो होगा ही होगा, पाई पर टेस्ट करेंगे तो आएगा थीटा प्लस पाई। ये क्योंकि इनवर्सल मॉड है, दिस इज पॉजिटिव। साइन पाई प्लस थीटा प्लस कॉस पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? सर साइन थीटा मॉड माइनस साइन थीटा, इसका मॉड प्लस माइनस कॉस थीटा का मॉड। माइनस साइन थीटा का मॉडुलस क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। क्या माइनस साइन थीटा का मॉडुलस क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा प्लस वो तो डिपेंड करता है ना साइन थीटा का वैल्यू क्या। मॉड साइन थीटा। इट इज मॉड साइन थीटा। साइन थीटा नहीं होता है, मॉड ऑफ साइन थीटा। मॉड ऑफ माइनस साइन थीटा जितना होता है मॉड ऑफ साइन थीटा उतना ही होता है, उतना ही। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मॉड ऑफ साइन माइनस साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा, इट इज मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा अगेन एफ ऑफ थीटा। तो पाई पर वो पीरियड हुआ। ठीक है, अब पाई बाय 2 पर टेस्ट करेंगे क्या होगा? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा मॉड प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इसका भी मॉड। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा cos theta। cos theta का मॉड cos pi by 2 plus theta minus sin theta। minus sin theta इसका मॉड। cos theta का मॉडुलस also you can write mod of cos theta, minus sin theta मॉडुलस you can write mod of sin theta। mod of sin is equal to cos theta। तो क्या हो, अब इधर भी पीरियड
पीरियडिक फंक्शन, ये भी पीरियडिक फंक्शन, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई बाय टू इज द फंडामेंटल पीरियड, नॉट पाई। तो फिफ्थ वाले का भी आंसर पाई बाय टू था ना? किसका? फिफ्थ वाले का। सिक्स्थ का? खुद चेक करके बताओ। पाई होगा कि पाई बाय टू होगा? चेक करो और बताओ। चेक किए? कि नहीं? सिक्स्थ का क्वेश्चन क्या था? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो इधर माइनस कर देता हूँ, माइनस 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 एफ ऑफ थीटा, पाई बाय टू चेक करो, माइनस माइनस इज इट एफ ऑफ थीटा? नो सर, नो सर। तो दैट्स व्हाई पाई बाय टू नॉट योर पीरियड, पाई इज द पीरियड। उसमें साइन एंड कॉस दोनों प्लस में था तो साइन चेंज नहीं, इसमें तो साइन कॉस को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इधर साइन माइनस कॉस इंटरचेंज करने से फर्क पड़ता है, बराबर? यस सर। ये सब हुआ आपका फंडामेंटल पीरियड, ठीक है? Now come to maximum and minimum value. It's called extreme value or maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta. क्या करेंगे इसका next step क्या होना चाहिए? When f of theta is the a sin theta plus b cos theta, तो मेरा next step क्या होना चाहिए? Divide by root of a square plus b square. Yes sir. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सिर्फ तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बराबर? यस सर। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट अस टेक दिस इज ए, दिस वन बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, लेट अस टेक दिस एंगल इज अल्फा और यू कैन कंसीडर दिस वन ए, दिस वन आल्सो बी, व्हिच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर आपका साइन थीटा। ये क्या हो गया?
एक एंगल cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा प्लस cos थीटा sin अल्फा sin अल्फा sin अल्फा व्हिच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा sin थीटा sin ऑफ ठीक है ये आपका जो होता है दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू साइन साइन नहीं हो सकता साइन अल्फा हां नहीं मतलब हो सकता ना साइन साइन भी हो सकता है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा आपको मिलेगा हां ठीक है सर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे इसमें बी रखोगे इसमें ए रखोगे आपको क्या मिलेगा sin theta sin alpha plus cos theta cos alpha you will get cos theta plus minus alpha हां सर ठीक है तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि आपके पास a b गिवन तो दैट इज कांस्टेंट वैल्यू इसमें ये किसका फंक्शन है ये जो मैंने फंक्शन लिया किसका फंक्शन लिया थीटा का थीटा का तो थीटा का चेंज होगा a b चेंज नहीं होगा a b रिमेन फिक्स तो दिस इज कांस्टेंट वैल्यू आपका जो कुछ चेंज होगा ये चेंज होगा sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा अल्फा भी फिक्स वैल्यू अल्फा भी चेंज नहीं होगा जो कुछ चेंज होगा थीटा चेंज होगा तो व्हेनेवर दिस वन मैक्सिमम टोटल विल बी मैक्सिमम व्हेनेवर दिस इज मिनिमम टोटल विल बी मिनिमम इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 sin थीटा प्लस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू One minimum value minus one minus one. So f of theta का maximum value क्या होगा? क्या होगा? One डालेंगे under root a square plus b square. Minimum value क्या होगा? Minus of under root a square plus b square. Minimum value of f of theta. इज द माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बोलते हैं कोई फंक्शन का और कोई भी किसी का भी मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज यस हेंस रेंज ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस इक्वल साइन इज देयर तो आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा ये आपका मिनिमम वैल्यू ये आपका मैक्सिमम ओके और यू कैन राइट दिस एफ ऑफ थीटा लाइज इन बिटवीन व्हाट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये भी लिख सकते हो ठीक है समझाइए यस सर Done.
यस सर डन तो कोई कांस्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है ठीक है तो बेस ऑन दैट आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस फाइंड आउट सरू प्लस एट है क्या
डन वन मिनट तो पढ़ रहे हो कि मेल भेज रहे हो? सब मेल पे भेज रहे हो?
डन हाँ सर So ninth one only minimum, huh? बाकी सबका मैक्सिमम ठीक है अब फर्स्ट में और फिफ्थ में भी सिर्फ यही आएगा ना एक ही आएगा नहीं नहीं सर जीरो टू वन आएगा मैक्सिमम वन आएगा दोनों मैक्सिमम वन होगा और अच्छा वो जीरो आपने सिखाया था राइट वो ने लास्ट मिनिमम जीरो से ज्यादा ना उसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 उसका 3/4 आ रहा है मिनिमम कितना ठीक है देखते हैं इसका बताओ 3 to 13 यस इसको अच्छा ठीक है सेकंड -23 to 3 3 यस थर्ड -5 root 5 -18 by 2 इसको होल स्क्वायर बनाने की बहुत कोशिश की पर मिल नहीं रहा था नहीं वो ठीक है मतलब मैं -5 root 5 -18 by 2 नहीं सर वो मिनिमम है तो उल्टा बोल रहा हूं बॉय -18 by 2 ये इज इट यस सर इट 0 से 1 3 by 4 से 1 3 by सर नहीं एक्चुअली मैंने मिनिमम निकाला है नहीं मैंने मैक्स ही निकाला तो वो 0 to 1 हटा दो मुझे सिर्फ 1 आया वो मैं श्योर हूँ वो 0 होगा कि नहीं ये बता सिक्स वन हाफ से 1 यस सर हाफ से 1 सेवन सर मुझे 7 के लिए -17 से लेके 3 तक आ रहा है क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व किया तो मुझे एंड में 13/2 cos theta plus 3 root 3 by 2 sin theta -10 मिला तो फिर मैंने उसका निकाला और -10 करके किया तो ये आंसर आ रहा है ठीक है 8 का सिर्फ मिनिमम सर 1 होगा इसमें भी सेम चीज 3 tan theta plus 2 cot theta का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा तो मुझे पता कि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है तो फिर 1 ओके एनीथिंग एल्स और कोई चेंज करना चाहोगे और फर्स्ट वन राइट किसी को नहीं मिला तो बताओ किसी को नहीं मिला तो बताओ बराबर आगे जाओ सेकंड ऑल्सो राइट एनी डाउट बताओ तो फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट्थ सर खाली फोर्थ और फिफ्थ में भी फोर्थ से सारे बता दो थर्ड वन आल्सो राइट थर्ड वाला भी बता दो थर्ड वाला भी डाउट डाउट हाँ तो फिर फर्स्ट सेकंड कैसे ये हुआ हाँ इलेवन का कुछ मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है ओके उसको अलग से रखोगे आपका
24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, उसका मिनिमम क्या होगा? एक पार्ट का मैक्सिमम मिनिमम होता है, वो अलग से रहेगा। एक चेंज है, सेवेंथ वाले में माइनस 17 तो इसके माइनस 3 एक मिनट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट आउट निकालोगे, दैट इज 25। तो माइनस 25 से लेके प्लस 25 इसका रेंज होगा, ऊपर से माइनस 11। तो मिनिमम क्या है? माइनस 25 अगेन माइनस 11, तो माइनस 36। मैक्सिमम वैल्यू 25 माइनस 11 14। तो वेदर इट इज प्लस और माइनस आप इसमें करोगे। तो इफ थर्ड वन डाउट देन तो फर्स्ट सेकंड भी डाउट होना चाहिए। समझाइए आपका, दिस इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए इज 24 बी द 7, तो मिनिमम वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो माइनस 25 मिनिमम एंड प्लस 25 इज द मैक्सिमम। तो ये दिस पार्ट लाइज इन बिटवीन माइनस 25 से लेके प्लस 25 माइनस 11, ठीक है? तो माइनस 25 माइनस 11 दैट इज माइनस 36 सबसे मिनिमम होगा, 25 माइनस 11 दैट इज 40। बाकी फोर्थ, तो आपको फॉर्मूला डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा फॉर्मेट लाना पड़ेगा, थीटा करो एक्स करो जो भी करो, ये फॉर्मेट लाना पड़ेगा। कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 11 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 11 by 2 sin 2 theta। ये मैंने नहीं बताया कि sin theta into cos theta का formula, ऐसा कुछ नहीं बताया। Suppose sin theta into cos square theta, इसका maximum नहीं होता है, at a time दोनों maximum नहीं होता है। इसका maximum वाली बताओ कितना होगा, क्योंकि if you consider this maximum value 1, वो time पर ये 0 दे देगा। तो मैंने सिर्फ आपको a sin theta plus b cos theta क्या बताया, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ नहीं बताया, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है? तो आप वही ट्राई करोगे कैसे a फॉर्मेट लाने के लिए। तो इसमें एक काम करते हैं, एक 2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 by 2 sin 2 theta, 11 by 2 sin 2 theta। इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 2 थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा सर प्लस 1, प्लस 1 प्लस 1 होगा, cos 2 थीटा प्लस 1, प्लस 1 प्लस 4। सर आंसर के में हल्का सा चेंज है सर, माइनस 18 की जगह प्लस 5। अब जो भी कुछ मैक्सिमम मिनिमम होगा इसका होगा, ये वही फॉर्मेट दे दिया। अब थीटा 2 थीटा और बिकम x, वही फॉर्मेट दे दिया। तो इसका मैक जस्ट फाइंड आउट, 11 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 इसका रूट ओवर, तो 125 बाय 4 इसका रूट ओवर, 5 रूट 5 बाय 2, ठीक है सर? वो माइनस 18 की जगह बस प्लस 10, तो मिनिमम होगा इसका नेगेटिव, माइनस 5 रूट 5 बाय 2, ये प्लस 5 दोनों के लिए हो, मैक्सिमम होगा प्लस 5 रूट 5 बाय 2 प्लस, तो आंसर हो जाएगा माइनस 5 रूट 5। यस बोलो। वो cos 2 थीटा कैसे आया? फॉर्मूले से आया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता नहीं? पता है सर, बताओ कौन सा फॉर्मूला पता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, चार फॉर्मूले मैंने दिया था, बताओ। सर आपने 2 cos square थीटा प्लस 1 किया ना, 2 cos square थीटा माइनस 1 सॉरी, हाँ वही मैंने डाला।
वही होता है, आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो मैं क्या यूज करता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर एक चीज बोलनी थी, वो जो सेवेंथ में मैंने आंसर बताया था ना, वो माइनस 17 और माइनस 3 है। समझाइए। यस सर। और जिस किसका डाउट था cos 2 theta कैसे हुआ? cos 2 theta का फॉर्मूला क्या था? हाँ किसका? cos 2 theta का फॉर्मूला cos में क्या था? Yes, 2 cos square theta minus 1. Question 2 cos square theta था, तो cos 2 theta. cos 2 theta नहीं हुआ, cos 2 theta plus 1 हुआ, plus 1 plus 4 था क्वेश्चन में, plus 1 plus 4 plus 5 हो गए। हाँ ठीक है सर, समझा। ठीक है। Any doubt इसमें? ऐसा नहीं कि आप cos theta को common ले लो फिर sin theta plus cos theta करके एक पार्ट का मिनिमम जो मैक्सिमम मिनिमम डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल मैक्सिमम मिनिमम टोटल का मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रिलेट होते हैं सेम थीटा, तो इंडिविजुअल मैक्सिमम मिनिमम टोटल का मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम हम किए थे सर, ये है सर, वो मैक्सिमम वैल्यू किया था। मिनिमम बताया था बराबर, फिर भी बताया था कैसे मिनिमम निकालते, नहीं भूल गए क्या? क्वेश्चन तो मैंने चेंज किया था कि मैक्सिमम सेट करो क्योंकि आपको पता नहीं। ठीक है बता देता हूँ, पर सवाल लंबा जाएगा वो। और नहीं लंबा नहीं, एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट है, तो इसको कर दो फर्स्ट स्क्वायर कर दो, फर्स्ट स्क्वायर में रखो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर प्लस cos रेस टू 4। ठीक है, व्हिच इज cos रेस टू 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, तो इसमें क्या लिखूंगा, what you have to added here so that you will get constant, sorry complete square। आप k की जगह क्या रखोगे एक complete square मिलेगा। 1/4। 1/4। तो plus 1/4 करो minus 1/4। बराबर। तो this became cos square theta minus half का whole square plus 3/4। cos square theta का range कितना? जीरो से वन। जीरो टू वन। cos square theta का range जीरो से लेके वन। तो cos square theta minus half का range कितना होगा? माइनस हाफ से प्लस हाफ। तो इसका square का range कितना होगा? जीरो टू वन बाय फोर। ये सब लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे। जीरो से लेके 1/4, तो जो कुछ मैक्सिमम मिनिमम ए पार्ट में मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा। तो मिनिमम होगा 0 प्लस 3/4, दैट इज 3/4। मैक्सिमम होगा 1/4 प्लस 3/4, दैट इज 1। तो आंसर होगा 3/4 से लेके 1 पर। एक क्वेश्चन पिछले बार भी किया था, लास्ट टाइम किए थे। हाँ सर। सिक्स्थ वन, हाफ से लेके वन कितने को मिला? मैक्सिमम मिल गया, मिल गया, मिल गया मेरे को। हाँ सर मिल गया। राइट आंसर, वही चीज करेंगे। Yes, sir.
साइन पावर फोर मुझे एक फॉर्मेट चाहिए, नहीं तो आप सॉरी ये तो हम ऑलरेडी पता है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। यस सर। तो इसको वन फॉर्मेट करो, तो इसमें एक टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ साइन स्क्वायर टू थीटा, बराबर। यस सर। आपका साइन रेस टू फोर प्लस कॉस रेस टू फोर थीटा इक्वल टू वन माइनस वन बाय टू साइन स्क्वायर टू थीटा। अब ये जब जितना बड़ा होगा टोटल मिनिमम हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। यस सर। ये वैल्यू में जितना बड़ा होगा टोटल मिनिमम होगा, और ये वैल्यू में जितना कम करूंगा टोटल विल बी मैक्सिमम। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। मैक्सिमम वैल्यू वन। तो मैं जीरो डालूंगा तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो वन माइनस वन बाई टू इंटू जीरो, दैट इज वन। मैंने बताया था ना कोई भी इवन पावर रखोगे मैक्सिमम वैल्यू वन होगा। मिनिमम क्या होगा? वन माइनस वन बाई टू इंटू वन। राइट। सेवन माइनस सेवेंटीन से लेके माइनस थ्री, एनीथिंग एल्स? ये किसको मिला और कितने को मिला? सर मुझे मिला, स्मी सर अलग मिला। अरे क्या? ओके यस दिस इज राइट आंसर सर, बिकॉज वो बस हमें जो रूल आता है cos थीटा प्लस पाई बाय थ्री उसको मैंने एक्सटेंड किया और एंड में मुझे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, b cos थीटा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसको एक्सपांड कर दो तो 5 cos थीटा प्लस 3, इसमें cos a प्लस b डाल दो, दैट इज cos थीटा cos पाई बाय 3 माइनस sin थीटा sin पाई बाय 3 माइनस 10, which is the, ये कितना हाफ, तो ये हो जाएगा 3 by 2 cos theta plus 5 cos theta, कितना हुआ 3 by 2 10 plus 3 13 cos theta, 13 by 2 cos theta, और ये आपका root 3 by 2, तो root 3 by 2 into 3, तो minus 3 root 3 by 2 sin theta। yes sir। minus 10 आ गया ना, a sin theta plus b cos theta। हाँ सर। तो just find out 13 by 2 का square plus sir 7 2. आता है, actually 14 by 2 और फिर 7। हाँ, it is 169 plus 27 by 4 root over ये 196, 49 root over 7। ठीक है? सर जो कल का जो मैथ्स का डाउट है वो कौन नहीं क्या आपने इंग्लिश और सर मेरा है ओके आपका नेदर मेंशन नहीं किया इसलिए सर है ना ठीक है जो मेरा है कर। तो इसमें क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू प्लस 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3 मिनिमम वैल्यू माइनस 7 माइनस 10 तो इट्स लाइक सर माइनस 17, सो इट्स लाइज इन बिटवीन माइनस 17 से लेके माइनस 3, समझाइए? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी इसका क्या आंसर बताते हैं? सर वन, मुझे वन आ रहा है। बस क्या था 13 का? नहीं आ रहा है, लाइक वन आंसर नहीं है। ये तो क्या आ रहा है? देखो हम लोग 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर बनाया मैंने, तो वो प्लस 1 ही बच गया बिकॉज़ हमारे पास 13 था, हम लोग जो होल स्क्वायर कर रहे थे तो वो 12 अंदर चला गया ब्रैकेट के और 1 बच गया, तो हमें पता कि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू तो 0 होता है, तो 0 प्लस 1 1, मैंने वो लॉजिक यूज किया। ओके 1 एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। क्या किया बताओ, क्या किया?
सर मैंने बस स्क्वायर बनाया, जैसे लास्ट लाइक मैंने 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर किया और फिर 1 बच गया बिकॉज़ हमारा कांस्टेंट 13 था ना, मतलब 2 into a into b करोगे तो फिर 12 आएगा तो लाइक 1 बच गया. तो फिर मैंने वो लॉजिक अप्लाई किया, अब जब तक हम लोग कर रहे थे कि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू लाइक 0 होगा तो फिर 1 वैसे मैंने सोचा. अब ठीक है, व्हाट यू सेड इट इज राइट. अब मुझे बताओ ये कौन सा वैल्यू के लिए 0 होगा. आप जो बोल रहे कि 0 होना चाहिए, ठीक है मान लेता हूं, 0 कौन सा वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव होगा तो cot थीटा पॉजिटिव होगा. हां सर, tan नेगेटिव होगा तो cot थीटा नेगेटिव होगा. जीरो आने के लिए दोनों जीरो होना पड़ेगा. यस सर. यस सर, पॉसिबल नहीं है. कब पॉसिबल होगा, tan थीटा जीरो cot थीटा भी जीरो? पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल. इज नॉट पॉसिबल. 20 समथिंग है. आप कुछ बता रहे हो? यस मैम. किसने कुछ बोल रहा था? नहीं सर कुछ नहीं. तने हाँ बताओ. अच्छा तो इंस्टेड ऑफ दिस यू मेक दिस वन एज माइनस टू. आम आई राइट सर? क्या किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई यूज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. 4ab में कितना आएगा? 2, 3, 6, 24. A square plus b square make it a minus b whole square. Sorry. 2ab. 2ab होगा तो 2 into 3 tan theta into 2 cot theta बाकी plus 30. Am I right? कि नहीं? Yes sir. इसमें मैंने use किया 3 tan theta का whole square plus 2 cot theta का whole square. I use a square plus b square equal to a minus b whole square plus 2ab. Do you know am greater than equal to gm? ये किसको पता है क्या? हाँ सर. यस सर पता है. If you know this result, immediately you can. नहीं सर नहीं पता. Okay. ये sequence और series में करेंगे. पता. पता सर. ठीक है. पता नहीं पता ये सर. ठीक है. ये पता नहीं तो मैं इसका alternative दे रहा हूँ. ठीक है. ये पता नहीं मुझे पता है up to 10th ये सब पता नहीं होता है. Those know you can use this thing. Those don't know मैं आपको ये alternative दे रहा हूँ. तो a square plus b square you can write a minus b whole square plus 2ab. What's he said? He made this one as a plus b whole square minus 2ab. But यहाँ पे a plus b जो मिला ना वो हम zero कर नहीं पाए. तो उधर problem था. अब देखो. अब इसको मैं zero कर सकता हूँ. This is 3 tan theta minus 2 cot theta whole square. प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा. 25 ठीक है. कैन आई मेक दिस वन जीरो? यस सर. यस सर. तो इसका मतलब ये जब जीरो दे देगा तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आपको जीरो मिलेगा ही मिलेगा. सर जीरो कब देगा? यस सर. जब 3 tan थीटा इक्वल टू 2 cot थीटा होगा. इसका मतलब tan square theta equal to 2/3. tan square theta 2/3 तो आपको मिलेगा ना. tan का रेंज क्या है? tan square का रेंज क्या है? 1 to infinity. 0 से infinity तक. तो 0 से infinity के अंदर 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, आएगा सर. आएगा. देखो आपका जो प्रीवियस वाला था ना प्लस किए थे
प्लस करोगे तो आपको इधर माइनस मिलेगा। टेन स्क्वायर थीटा आपको क्या दे रहा है? माइनस टू बाई माइनस टू बाई नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल इसलिए वो नहीं कर पाए, हम जीरो ला नहीं पाए। ठीक है, सर समझेगा आपका एरर हुई। हाँ, बट इसमें आप कर पाओगे। अब स्क्वायर का मिनिमम क्या होगा? जीरो होगा। प्लस 25। तो दिस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। सो मिनिमम वैल्यू इज द अंडरस्टूड। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। क्योंकि टर्न कॉट इटसेल्फ टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसलिए क्वेश्चन का मैक्सिमम नहीं पूछता है, ओनली मिनिमम पूछता है। समझ में आया? यस सर। चलो ये हो गया आप लोग का मैक्सिमम मिनिमम पीरियडिसिटी सब कुछ हो गया। ट्रिगो फर्स्ट चैप्टर ओवर। फिर इसके बाद? इसके बाद होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये लेक्चर है ना? लेक्चर से ही चालू हो जाएगा ना? क्या चालू होगा? नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, जो आप ऑलरेडी एपी आपको पता है। ज्योमेट्रिक तो, और एक एचपी पढ़ेंगे न्यू चीज, वो भी पता है। हार्मोनिक क्या बात है? आपने बताया, मैंने बता दिया ऐसे बहुत से ये, और एजीपी एक होता है सर, एजीपी भी आता है, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और कुछ स्पेशल सीरीज होता है। अभी आपने नाम नहीं लिया है? चलो डन सर, कल सुबह 8 बजे लेक्चर है ना, तो मतलब अगर मैं थोड़ी देर बाद जॉइन करके अपने डाउट क्लियर कर लूं तो चलेगा ना? क्यों थोड़े लेट क्यों? नहीं सर, मतलब जिसको डाउट सॉल्व कराना ना अपना, तो मैं 9 बजे जॉइन करके अपने डाउट करा लूं, 8 बजे जॉइन करके डाउट कराऊं। ठीक है, जैसे करो। 3 आवर्स है ना, 8 to 11? हाँ सर। लेकिन 10:30 के आसपास खाली 1 सिंगल डाउट ले रहे हो आप, बट सब लोग 10 बजे आओगे। नहीं सर, नहीं सर, 10:30 से स्कूल है। हाँ सर, स्कूल से क्लास है, उनके लेक्चर्स हैं, स्कूल है, फिनिश टाइम कर रहे हैं, उनके लेक्चर्स हैं हमारे, तो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा सर, 10:30 के आसपास छोड़ना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, जिसका हो जाएगा तो आप ये करके निकल। तो सर मजबूरी में 8 बजे ज्वाइन करना ही पड़ेगा डाउट सॉल्व करने के लिए। हाँ सर।